आपके इस वक्त हम मौजूद हैं हसन मस्जिद में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आएंगे वो, और यहाँ पर हमने अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे इधर उधर खेलते हैं और मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली के कुछ मेम्बर्स हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अर्से के बाद मैंने लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ देखा है और कैसे मस्जिद में बहुत अर्से बाद इतना रश हुआ है। लोग आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और संडे को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आइए आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा जी जनाब, ये अब बच्चे मचल पड़े गोलगंडा देखकर और हम जो है वो ये खाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं 50 रुपये का गोलगंडा है जबकि हमने 5 रुपये का और 10 रुपये का खाया। मैंने इनसे बढ़िया कहा है कि आप 10 का कर लें या 20 का कर लें, लेकिन ये बिल्कुल भी इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे हैं। मजबूरन हमें 50 का ही गोलगंडा लेना पड़ रहा है। अब जनाब यहाँ पर जब बच्चे गोला गंडा खाएंगे तो बड़ों का दिल तो चाहेगा कि वो गोलगप्पे खाएं। यहाँ पर मैं गोलगप्पों वाले के पास आ चुकी हूँ और इससे पहले मैं 2-3 प्लेट्स खा चुके हैं हम लोग जो 2-3 लोग हैं, और अब दोबारा हमारा दिल चाह रहा है गोलगप्पे खाने को। इनके पास चाट भी है और लेकिन गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे मज़े के। अच्छा जी जनाब, अब हम फैसल मस्जिद में एंटर होने लगे हैं और अभी शाम का वक्त तो नहीं हुआ लेकिन अजानें होने वाली, इसलिए हमें अब जल्दी है कि हम जाएं और जाके नमाज़ वगैरह पढ़ें और थोड़ा सा जो है वो बच्चे भी अब देखना चाह रहे हैं। ग्राउंड में इस वक्त थोड़ी थोड़ी शाम ढलने के आसार नज़र आ रहे हैं। रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है जो कि इस बात की अलामत है कि लोग आ रहे हैं। यहाँ पर हमने किताबें देखी, किताबें बड़ी अच्छी लगी हुई हैं। पहले मुझे याद है कि यहाँ से मैं एकेडमी ऑफ लेटर्स की जब नुमाइश लगी थी तो बहुत सी मैं किताबें अपने लिए लेकर गई थी। यहाँ पर मैंने देखा आज के काफ़ी ज़्यादा इनके पास बुक्स मौजूद हैं। कितना अच्छा मंज़र लग रहा है, मुझे ये व्यू इतना ज़्यादा पसंद है फैसल मस्जिद का। और जब भी मैं आती हूँ इस जगह पर मैं बैठ के यहाँ से मैं देखती हूँ और ये मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा बरामदा है। यहाँ पे मैं बैठ के पूरा जो है वो सारा देखती हूँ। कई दफ़ा मैं रीडिंग के लिए यहाँ पे आ जाती थी और रीडिंग बैठ के करती थी। बड़ी अच्छी जगह है ये, और अब जो है वो रश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। नमाजी नमाज पढ़ कर निकले हैं तो फैमिली ज़ाहिर है जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बाहर फैमिलीज़ वेट कर रही थी, कुछ नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस मेरी तमाम देखने वालों से यही दरख्वास्त है कि जब भी किसी ऐसी जगह पर आएँ बराए मेहरबानी सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमने ही इसे साफ़ रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब शाम ढल चुकी है और रात होने के करीब है, तो बस अब हम वापसी के सफ़र पर गामजन हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद